जय भीम मैच इतना जय भीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले रुक करते हैं नांदेड़ का। नांदेड़ में बुद्ध फुले शाहू अंबेडकर विचारों के भाष्यकार तथा अंबेडकरी आंदोलन के ज्येष्ठ नेता सुरेश दादा गायकवाड़ इनके जन्मदिन के अवसर पर सुरेश दादा गायकवाड़ मित्र मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर, पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकरना सहित विविध क्षेत्र के अधिकारी पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सुरेश राव जी गायकवाड़ इनका जन्मदिन है, मैं उनके जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से एक संघर्षमय नेता, समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए लड़ने वाला नेता बोल के वो हमारे मित्रों में प्रसिद्ध है। इतने संघर्ष के बाद भी उन्हें सत्ता में बहुत लगे झगड़ने के बाद भी उन्हें सत्ता पर आ नहीं सके, उन्हें बहुत बधाई देता हूँ कि आने वाले दिनों में वो सत्ता पर रहे और सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करे। एक अंबेडकर चळवळ में का एक बड़ा नेता बोल के वो प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी शिकार की गई, इस विचार की शिकार की गई और इस नांदेड़ में शहर में एक उभरते नेतृत्व को आगे नहीं लाने देने में बहुत सारे राजकीय व्यक्तियों का इस संघर्षमय जीवन में हाथ है। उन्हें मैं बधाई देता हूँ कि ये संघर्षमय जीवन में खूब कामयाब रहे, उनके हाथे समाज की, देश की, परिवार की सेवा हो, ऐसी मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सुरेश दादा गायकवाड़ के जन्मदिन पर नांदेड़ जिले का एक सांसद होने के नाते अभिष्ट चिंतन करने के लिए मैं और मेरे सब साथी यहाँ आए हैं। सुरेश दादा गायकवाड़ एक ऐसा नेता है, वो जिस दिशा से जाते उस दिशा से हवा चलती है। ये दुख की बात है कि इतना होने के बावजूद वो कभी सत्ता में नहीं आ सके, मगर सत्ता पे सबको बिठाने का प्रयास उनके हाथों रहा है। एक ऐसा नेता का अभिष्ट चिंतन करने में मेरे को बहुत खुशी है। वो मेरे ज्येष्ठ है, मेरे मार्गदर्शक है और मैं उनके बारे में इतना ही चाहूँगा कि अगला जन्मदिन अलग तरीके से मनाने में हमको ज़्यादा खुशी हो गई और वो दिन उन्हें मिले, इतनी मैं आशा करता हूँ। 22 सालों से ये बर्थडे मेरे कार्यकर्ता और दोस्तों की तरफ से मनाया जाता है। उन सभी कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं का और मेरे मित्र परिवार का मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद मानता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। अंबेडकरी मूवमेंट में काम करते 40 साल किधर चले गए अभी तक पता नहीं चला। ये लड़ाई लड़ते बहुत इलेक्शन में जीत भी हुई और बड़े बड़े इलेक्शन के अंदर मैं पराजित भी हुआ, लेकिन मेरा यह प्रयत्न रहा कि हम पराजय स्वीकार करें खुले आम से और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मूवमेंट को सक्षम बनाने के लिए उस पराजय का उपयोग कर विजय पाने के लिए कोशिश करें। ये मूवमेंट चल रही है, मूवमेंट आगे भी चलते रहेगी। मूवमेंट के सामने आज का समय बहुत ही बड़ा कठिन समय है, ऐसा मुझे इस अवसर पर लगता है। नांदुरा शहर में शिवनेरी कॉम्प्लेक्स समेत कुछ अन्य कॉम्प्लेक्स का कार्य गैरकानूनी तौर पर शुरू है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 24 अन्य ऐसे फ्लैट हैं जो बैंक से कर्ज लेने के लिए संपूर्ण डिटेल्स नहीं दी गई। एक प्रकार से ये गैरकानूनी रूप से अवैध निर्माण चल रहा है व महानगर पालिका की भी इसमें साठ गांठ साफ नजर आ रही है। आयुक्त साहेब, सचिव व संचालक
मुंबई यांना सुद्धा वारंवार तक्रार करण्यात आली असून आजपर्यंत या अवैध बांधकामावर कोणीही कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही, जेणेकरून त्याचं नुकसान आम जनतेला भोगावं लागत आहे. प्रत्येक व्यापारी संकुलमध्ये आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा वापर प्रमाणपत्र नांदूर नगरपालिकेअंतर्गत जो देण्यात येत आहे कोणत्याही प्रकारचा देण्यात आलेला नाही. त्या व्यतिरिक्त त्यांना खरेदी केली, खरेदी केल्यानंतर त्याची नोंदसुद्धा नगरपालिका घेत आहे, वारंवार पैसे घेत आहे, मागणी करत आहे. जर नांदूर नगरपालिका वापर प्रमाणपत्र देत नाही तर त्याची नोंद कशी करू शकते? त्याची चर्चा केली असताना ते बिल्डर लोकांना पाठीशी घालत आहे, कोणत्याही प्रकारची कारवाई करत नाही. कोणत्याही कॉम्प्लेक्समध्ये कोणत्याही प्रकारची पूर्णत्वाचा दाखला नसून कोणत्याही प्रकारची सुविधा केलेली नाही, पार्किंग नाही. आज रोजी प्रत्येक जे दुकानदार आहे त्यांना आपली गाडी रोडवरच पार्क करावं लागते, जेणेकरून भविष्यामध्ये मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे. नांदुरा शहरामध्ये मागील काही वर्षापासून मोठमोठाली व्यापारी संकुले बनत आहेत व बनलेली आहेत. या व्यापारी संकुलांना तत्वतः आमचा विरोध नाही, शहराचा विकास झालाच पाहिजे, शहरातला व्यापार वाढलाच पाहिजे. परंतु ज्या ही संकुल बनवताना ज्याप्रमाणे जे शासनाचे आणि नगरपरिषदेचे नियम आहे हे ज्याप्रमाणे धाब्यावर बसवले गेले आणि सर्वसामान्य जनतेची याच्यामध्ये फसवणूक करण्यात आलेली आहे त्याला आमचा विरोध आहे. कारण की ज्या लोकांनी तिथे संकुले घेतलेली आहेत त्यांना जे आवश्यक कागदपत्रे आहेत ते मिळण्यासाठी फार त्रास होत आहे, आणि जेव्हा ते नगरपरिषदमध्ये जातात तेव्हा त्यांना काही टोलवाटोलीची उत्तरं दिल्या जातात आणि नगरपरिषदनी याच्यावर कोणतीही कारवाई न करता यांना पाठीशी घालण्याचं काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळे अशी दाट शंका आहे की काही नगरपरिषद प्रशासनातले काही कर्मचारी व ज्यांनी हे संकुल बांधलेले आहे ते व्यापारी यांची कुठे ना कुठे साठगाठ आहे. मागे आम्ही याकरिता पत्रकार परिषद आयोजित करून या सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणीसुद्धा केलेली होती, पण अशी कोणतीही कारवाई आजपर्यंत झालेली नाही. वैजापुर के भूमि अभिलेख कार्यालय में लोकशायर अन्नाभाऊ साठे की जयंती बड़े उत्साह से मनाई गई. मुख्य अतिथि के तौर पर उपाध्यक्ष साहेब कालजे, मुख्यालय सहायक डीएम साखरे और कर्मचारी मौजूद थे. लोकशायर अन्नाभाऊ साठे यांची जयंती 99वी जयंती उपाध्यक्ष भूमि अभिलेख कार्यालय वैजापुर येथे साजरी करण्यात आली. त्यानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा. बारामती शहर में बहुजन समाज पार्टी की ओर से लोकशायर अन्नाभाऊ साठे की जयंती मनाई गई. इस अवसर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर सुरेश साखरे, राम आचल जी राजभर और कार्यकर्ता मौजूद थे. शुरुआतीला मी दलित पंथरचं राष्ट्रीय पद भूषवलेलं आहे. ते काम करीत असताना वंचित, दलित, बहुजन समाजाचं मी खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलेलं आहे. दलित पँथरसारखी संघटना मोडखळीला आलेली पुन्हा उभारीला देण्याचं काम आम्ही पुन्हा एकदा केलं. परंतु मध्यंतरी आम्ही ज्यावेळेस प्रकाशजी आंबेडकर साहेबांनी वंचित आघाडी निर्माण केली त्या वंचित आघाडीसाठीही आम्ही ते काम केलं. मात्र खरं तर बहुजन समाजासाठी लढणारा राष्ट्रीय पक्ष, आपल्याला त्या पक्षाची खूप गरज आहे. बहुजनांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर प्रामुख्याने राष्ट्रीय पक्ष आपल्या बरोबर हवा आहे, आणि त्यासाठी म्हणून मी आज बहुजन पक्षामध्ये सक्रिय असा प्रवेश करत आहे. माझ्यावरती जी जबाबदारी प्रभारी महाराष्ट्र प्रभारी आपले उत्तर प्रदेशचे मंत्री साहेब जे आहेत ते देतील ती आम्ही आनंदाने स्वीकारू, आणि त्या पद्धतीने वंचितच नाही सगळ्या समाजाला बरोबर घेऊन या बहुजन पार्टीमध्ये आम्ही अशा प्रकारे एक दबावतंत्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू की येणाऱ्या विधानसभेमध्ये बसपा शिवाय सरकार बनवता येणार नाही. और बहन जी के निर्देश पे आने वाले विधानसभा के आम चुनाव में जिलावार कार्यक्रम करके, विधानसभावार कार्यक्रम करके छोटे बड़े पदाधिकारियों को बहुजन समाज पार्टी की नीति और अपने संतों गुरु महापुरुषों के बारे में बताते हुए और संगठन को इतना मजबूत करना चाहते हैं जिससे आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिले. आज पुणे जिल्ह्यामध्ये बारामती लोकसभा की समीक्षा बैठक बहुजन समाज पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव आणि महाराष्ट्राचे प्रभारी परमादरणीय राजभर साहेबांनी घेतली.
आणि सहा विधानसभेच्या समीक्षा बैठक घेतल्या असताना आज लक्षात आलं की आमचं संघटन खूप मजबूत आणि चांगल्या पद्धतीने तयार झालेलं आहे आणि 288 विधानसभेची संपूर्ण तयारी आम्ही ची तयारी करत आहोत. बहनजीच्या दिशानिर्देशापणे आम्ही संघटन मजबूत करून आमच्यासोबत दुसरे प्रभारी आहेत डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ खासदार साहेब, ते एक टीम बनून त्यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे कोषाध्यक्ष दयानंद किरतकर त्यांचा आज विदर्भामध्ये त्यांचा दौरा आहे. आम्ही इकडे पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आहोत. आमचे झोनचे जे पदाधिकारी आहेत झोननिहाय सर्व संघटन बांधणी मजबूत करण्यासाठी काम करत आहोत आणि ज्या जिल्ह्यामध्ये जात आहोत त्या ठिकाणी आम्ही उमेदवार बहुजन समाज पक्षाचा कोणकोण असेल काय काय असेल याविषयीही आम्ही कार्यकर्त्याची पदाधिकाऱ्याची विचारपूस करून आम्ही त्याची शहानिशा करत आहोत. नागपुर के दीक्षाभूमि के डॉक्टर आंबेडकर सभागृह में 10 अगस्त और ब्रह्मपुरी में 11 अगस्त को युवाओं के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है. इस सेमिनार में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है जो युवाओं को मार्गदर्शन करने का काम करेंगे. ऐसी जानकारी इस सेमिनार के आयोजक हेमंत सूटे ने दी. दर्शकों, नागपुर के दीक्षाभूमि पर 10 अगस्त को शाम 4 से 9 बजे तक एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और ये सेमिनार युवाओं के लिए बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि इस सेमिनार में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ गेस्ट को आमंत्रित किया गया है जो युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे. तो हमारे साथ इस सेमिनार के आयोजक हेमंत सूटे सर हमारे साथ मौजूद है. आइए, ये सेमिनार क्या है हम उनसे बात करके जानते हैं. सर, जो नागपुर के दीक्षाभूमि में 10 अगस्त को सेमिनार का आयोजन किया गया है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम आप सबको जय भीम. यहाँ जो 10 तारीख को जो सेमिनार होने वाला है जो ऑडिटोरियम है डॉक्टर आंबेडकर ऑडिटोरियम दीक्षाभूमि पे, यहाँ हम लोगों ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो विश्वविख्यात है वहाँ से 6 विद्यार्थियों को आमंत्रित किया है जिनका नेतृत्व सूरज एंगड़े जी कर रहे हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पोस्ट डॉक्टरल फेलो है और एक आरएस प्रवीण सर है जो खुद आरएस आईपीएस है और 6 और अलग तरह के लोग हैं. इन लोगों का जो अनुभव था हार्वर्ड में, यहाँ से भारत देश से जाने के बाद हार्वर्ड में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पढ़ाई करने के बाद में जो उन्हें अनुभव आया है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है ये आईवी लीग में आता है. आईवी लीग यानी उच्चतम कोटि के अमेरिका के कॉलेजेस, जैसे हार्वर्ड एक है, स्टैनफोर्ड है, MIT है, ये सब हार्वर्ड एक ही आईवी लीग के कॉलेजेस है. ये अपनी एडमिशन प्रोसेस की तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्वर्ड में या आईवी लीग के कॉलेज में जाना IIT और IIM जो भारत की सबसे शीर्षस्थ स्थान कहे जाते हैं उससे आसान है. तो हमारा उद्देश्य है कि अगर आप आईवी लीग के कॉलेजेस में गए और वहाँ जाके अगर आपने पढ़ाई की तो देश का आने वाला अम्बेडकराइट मूवमेंट है वो अम्बेडकराइट मूवमेंट और प्रगल्भ और एक और सुदृढ़ हो सकता है, ये हमारा उद्देश्य है. जी, वाकई ही ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेमिनार है क्योंकि बहुत कम ऐसे युवा है जो जानते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में और बहुत ऐसे युवा है जो जानते भी हैं लेकिन उन्हें लगता है कि बहुत ही मुश्किल है उन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो उनके लिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है. लेकिन सर, हम जानना चाहेंगे कि आपको इसकी कल्पना कैसे आई, आपको क्यों लगा कि इस सेमिनार का आयोजन करना चाहिए? देखिए, मैं डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल मिशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ और हम एज ए डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल मिशन गए 10 या 15 सालों से शैक्षणिक क्षेत्रों में काम कर रहा है. हमारे बच्चे आंबेडकर बच्चे या जिन लोगों की आंबेडकर फिलासफी में जिन लोगों को आस्था है उनके बच्चे बड़ी संख्या में इन प्रख्यात विश्वविद्यालयों में जाए और वहाँ जाके पढ़े, हमारी तमन्ना काफ़ी सालों से है और उसी का एक कार्यभाग समझते हुए हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम किए नागपुर में. जैसे 2015 में GRE टॉफिल का एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलके और 100 बच्चों को हम एक छत के नीचे हमने GRE टॉफिल का प्रोग्राम करवाया था और उसमें से एक 60-70 बच्चे आज तक अमेरिका जा चुके हैं. तो अमेरिका जाने का सिलसिला काफ़ी सालों से शुरू है और उसी की एक कड़ी 2018 साल में भी डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मिलकर और एक प्रोग्राम किया था जिसमें 50 बच्चों ने GRE टॉफिल किया था. जो बच्चे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है वो लेते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप लेते हैं
उनमें बहुत से विद्यार्थी आईवी लीग कॉलेजेस में जाते नहीं, अभी तक गए भी नहीं है, अभी गए साल से उसकी प्रथा शुरू हुई है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एक स्कीम है, अगर आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हो या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको सीधे सीधे स्कॉलरशिप मिलती है, आपको किसी के साथ में कोई भी कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुंबई में एक ऑर्गेनाइजेशन है आग, आम्बेडकर राइट एविएटर्स ग्रुप, जिसके हेड है बाम्बोली, कैप्टन बाम्बोली साहब, बहुत बड़े बड़े ओहदे पे एयर इंडिया में, और उनका एक ग्रुप है, जितने सारे पायलट एयर इंडिया में काम करके करते हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया आग, आम्बेडकर राइट्स एविएटर्स ग्रुप और डॉक्टर आम्बेडकर मिशन, और उसके साथ में एक 6-7 संगठनाएँ और एक साथ आई है, हम लोगों ने मिल के ये जो शिक्षाविद है 6 उनको उनको हमने निमंत्रित किया है और वो लोग सब आ रहे हैं उस दिन। तो 10 तारीख को प्रोग्राम है अपने नागपुर में, ऑडिटोरियम जो है डॉक्टर आम्बेडकर ऑडिटोरियम दीक्षा भूमि पे, और दूसरा कार्यक्रम है ब्रह्मपुरी में। नॉर्मली ब्रह्मपुरी थोड़ा सा दूर है नागपुर से, ऐसे कार्यक्रम ब्रह्मपुरी में होते नहीं है, लेकिन वहाँ होने चाहिए ऐसे हमारी इच्छा थी, इसलिए हम ब्रह्मपुरी सर में। तो जो कार्यक्रम ब्रह्मपुरी में आयोजित किया गया है, तो जैसे कि नागपुर में जो कार्यक्रम है वो सेम कार्यक्रम ब्रह्मपुरी में भी आयोजित किया गया है? हाँ, ऑलमोस्ट सेम कार्यक्रम है, थोड़े गेस्ट की लिस्ट होगी जो अलग अलग होगी, मैं जरा गेस्ट की लिस्ट आपको पढ़ के बताता हूँ जिससे आपके आपको इस कार्यक्रम की महत्तमता पता पड़ेगी। यहाँ पे आरएस प्रवीण साहब है जो आईपीएस ऑफिसर है, वो हॉवर्ड केनेडी स्कूल में गए थे पढ़ने के लिए। दूसरे है अनुराग भास्कर जो एलएलएम उन्होंने किया है 2019 में हॉवर्ड लॉ स्कूल से, यानी हॉवर्ड स्कूल के विभिन्न अंग है ये। तीसरे है कनिष्का इलुपुला जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी की है। चौथा नाम तो नागपुर की जनता के लिए इतना नया नहीं है, उनका नाम है सूरज एनगड़े साहब, पोस्ट डॉक्टरल फेलो है हॉवर्ड केनेडी स्कूल से। फिर एक लेडी है सुजाता सुनायक आईएएस है, वो उन्हें वो टकेम्बी फेलो है 2017-2018 की। और एक है मणिवन्नम पुनिया जो आईएएस खुद है और हॉवर्ड केनेडी स्कूल में गए थे। तो आप अगर इन महा अनुभवों के नाम देख रहे हैं तो ये अपने क्षेत्रों में ऊंची कोटि पे है, ऊंचे श्रेणी पे ये है, और ये अपना अनुभव कथन भी करना चाहते और आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं बच्चों के साथ। सर जैसे कि 10 अगस्त को दीक्षा भूमि में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वो खासकर विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए है, तो उनसे आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, नागपुर में छात्रों की कमी नहीं है जी। बहुत से विद्यार्थी आते हैं और अभी तक यहाँ नागपुर के विद्यार्थियों का मुझे ऐसा, नागपुर है, भंडारा है, गोंदिया है, चंद्रपुर है, गढ़चिरौली है, यहाँ के सारे विद्यार्थी नागपुर में पढ़ते हैं और सब लोगों के आशाएँ आकांक्षा है कि हमने जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो मेरा उनसे ये होगा कि फोकस अभी हट के ये आईवी लीग कॉलेजों से उसी में जाना चाहिए। जैसे अभी तक अगर आप स्कॉलरशिप की लिस्ट देखोगे तो उसमें एक या दो ही बच्चे आईवी लीग कॉलेजेस में जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100 स्कॉलरशिप है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की 75 स्कॉलरशिप है, तो एटलीस्ट 50 बच्चों ने, दोनों 100 बच्चों ने आईवी लीग कॉलेजेस में जाना चाहिए, हमारा प्रयास है इसमें जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी। तो दर्शकों, अभी हमने हेमंत सूटे सर से जाना है कि जो 10 अगस्त को जो सेमिनार का आयोजन किया गया है उसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी ली है। तो 10 अगस्त को जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गेस्ट को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और वो गेस्ट नागपुर के लोगों को और छात्राओं को मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरीके से बड़ी आसानी से हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए ये सेमिनार बेहद ही फायदेमंद और जरूरी है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस कार्यक्रम में, इस सेमिनार में उपस्थित रहे। इसी के साथ कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं पल्लवी डोंगरे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, नागपुर। परभणी शहर के महानगर पालिका के सामने सागर नामक व्यक्ति ने आमरण अनशन शुरू किया है। सागर स्वच्छता विभाग में कार्यरत थे, 2018 में सेवानिवृत्त हो चुके बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार का भत्ता न मिलने की वजह से अपनी मांगों को लेकर यह आमरण अनशन पर बैठे हैं। नजीर का शुभ कामी प्रोपोशन ला वारंवार त्यांनी सांगितलं होतं, मी माझं जीपीएफ देण्यात याव, माझं पगार थकीत बिल म्हणजे रिटायर झालो तर माझे भत्ता देण्यात याव, जे भी काय अनेक असेल माझी जिथे पगार 3-4 पगार ही थकी ते देण्यात याव, आणि पुन्हा रिटायर झालो त्याचं पगार नाही देण्यात आला मला, हो देऊत देऊत म्हणाले, देऊ आतापर्यंत लुटीत 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 आणलं,
नेमकं काय मागणी काय तुमची? मागणी काय? माझे पीके पाहिजे आणि माझे पगार रिटायर झाल्याचा बकाया पाहिजे मला, आणि पुन्हा हे सुट्ट्याचा बकाया पाहिजे, सुट्ट्याचे राहिलेले सुट्ट्या शिल्लक पैसे त्याचं बिल पाहिजे. जी मला भेटत नाही तोपर्यंत मी उपोषण सोडणार नाही. मजदूर वर्ग के बच्चों ने शिक्षा को अपना हथियार बनाते हुए विविध शैक्षणिक योजना का लाभ उठाकर शिक्षित होकर समाज की प्रगति में सहकार्य करें, ऐसा आह्वान सहायक कामगार आयुक्त राजेश गुल्हाने ने किया. अकोला में बिल्डिंग पेंटर निर्माण कार्य मजदूर एसोसिएशन की ओर से मेधावी छात्रों के सत्कार के दौरान गुल्हाने ने अपनी बात रखी. आज या ठिकाणी बिल्डिंग पेंटर बांधकाम मजदूर असोसिएशन व ग्रामीण बांधकाम मजदूर असोसिएशनतर्फे आज जे मजूर लोक आहेत त्यांचे मुलं 10वी 12वी जे पास झालेले 80% 90% ने आज या ठिकाणी कामगार आयुक्ताच्या हाताने त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आलेला आहे. आम्ही 15 वर्षापासून मजुराच्या न्यायासाठी व हक्कासाठी काम करत आहोत आणि त्यांच्या जे काही मुलं पास होतात त्यांचा पण आम्ही आयुक्ताच्या हाताने सत्कार दरवर्षीप्रमाणे करत राहतो. याचप्रमाणे या ठिकाणी आज अशोक वाटिका या ठिकाणी कमीत कमी 15-20 पाल्याचा सत्कार करण्यात आलेला आहे, जे त्यांनी 80% 90% मार्क कमवलेले आहेत अशा लोकांचा या ठिकाणी सत्कार करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र शासन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय उपजीविका अभियान की ओर से नगर परिषद मंगलूरपीर द्वारा जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक रैली का भी आयोजन किया गया. शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए पंचायत समिति सभागृह में रैली का समापन हुआ. कार्यक्रम का आयोजन राहुल भगत ने किया. कर्मी वाटर राइट एक्टिविस्ट मंगरूलपीर, आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जो पूरे भारत में जल शक्ति अभियान छेड़े गया है, इसकी जो ज़रूरत है इसकी मीमांसा हमारे यहाँ की मंगरूलपीर नगर परिषद ने किया, इसलिए मैं ये नगर परिषद की सराहना करता हूँ. आज नीति आयोग ने बताया है कि 20 जिला ऐसा है कि जो सूखाग्रस्त हो सकते हैं, साथ ही में ऐसे 90 जो शहर है जो अत्यंत कठिन परिस्थिति में है. मैं सबसे गुजारिश करूंगा इस सिलसिले में कि जल शक्ति अभियान में सब सामान्य लोग आम जनता ने सहभाग लेना चाहिए और लोक जागृति करना चाहिए. दुनिया की बहुत सारी संस्कृतियाँ जैसे मेसोपोटामिया, सिंधु संस्कृति, सातवीं ग्रीनलैंड संस्कृति, ये खत्म हुई केवल जल संस्कृति न रहने के कारण, जल अभाव के कारण. आज आधी दुनिया जल संकट से ग्रस्त है. ऐसे समय में हर नागरिक, हर भारतीय आदमी ये बड़े पैमाने पे जागरूक होना चाहिए और इस अभियान में सहभाग लेना चाहिए. आज के जय भीम मीडिया में फिलहाल इतना ही. जय भीम.